नमस्कार, वक्त हो गया है खबर असरदार का। मैं हूं अपर्णा मौजूम और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और अब खबर असरदार में बात करेंगे कारगिल। कारगिल शौर्य दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया करारा प्रहार। पीएम मोदी ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष लगातार भ्रम का माहौल बना रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए सेना के लिए कुछ नहीं किया और आज अग्निवीर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने भी पीएम मोदी के वार पर पलटवार किया है। करगिल से पीएम मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को नसीहत दी है। पीएम मोदी ने कहा कि करगिल में असत्य और आतंक की हार हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि सेना में भर्ती हो रहे अग्निवीरों पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया कि पेंशन खत्म करने के लिए हमारी सरकार अग्निपथ योजना लाई, जबकि सच ये है कि जो आज जवान भर्ती होगा उसके 30 साल बाद पेंशन दी जाएगी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर धोखा देने का आरोप भी लगाया। आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी क्या? मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने भी अग्निवीर योजना को लेकर विवादित बयान दिया है। ये जानते हैं कि 4 साल बाद अगर जो लड़कों को हमने ट्रेनिंग किया, हाथ में हथियार दिए, जो हमारा ट्रेनिंग बेसिस कहाँ है सबकी जानकारी हो जाती है, 4 साल बाद उनको वेला छोड़ दिए, उनके घर में माँ बीमार है तो उनको तनख्वाह नहीं है, इलाज करवाने बच्चों को पढ़ाने की तनख्वाह नहीं है, तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कभी सोचे? समाजवादी पार्टी के सांसद देवेश शाक्या ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को घेरा। अग्निवीर योजना लाकर जो उन्होंने युवाओं को छला है, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी विडंबना एक प्रधानमंत्री ये समझ सकते हैं कि 4 साल की नौकरी जो दे रहे हैं वो नौकरी क्या उनके पूरे जीवन पर्यंत क्या उसका साधन रहेगी जीविका का? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी अग्निवीर योजना को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। और किसान का बेटा जवान जो भारत माता के लिए अपना प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार है उसको 21 साल में रिटायर हो जाना चाहिए जी। ये किस प्रकार का तर्क है प्रधानमंत्री जी का? अपनी कमियों को छिपाने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या हमारी सेना जिसने पाकिस्तान को बार बार हराया वो युवा नहीं थी? बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि अग्निवीर ऐसी योजना है जिसने देश की फौज को मजबूत करने का काम किया है। यही देखिए, यही सत्य। आज हमारी फौज इतनी ताकतवर हुई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। आज हमारी बिटिया भी फौज की तैयारी कर रही, तो ऐसे कितने बच्चों का मनोबल ये विपक्ष तोड़ रहा, जहां पर आज बच्चे सेवा करने देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। जैसे इसराइल की फोर्स है, हर बच्चा वहां पे, या चाइना की फोर्स है कि हर बच्चा देश आर्मी के लिए ट्रेंड रहता है, एक आर्म्स को चलाने की ताकत रखता है और आर्म्स की कभी भी देश में कभी विपत्ति आए तो आर्म्स उठा सके। वहीं सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने बताया कि कैसे सेना को मजबूत करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। जेक्चर्स हैं, ये प्रोग्राम को फ्रेक्टिफाई करने दीजिए, लोगों को सर्विस में जाने दीजिए, जब वो रिटायर होंगे जैसे उनको चैलेंजेस मिलेंगे, कोई कहता है उसकी शादी नहीं होगी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये सब मेरे दिमाग से पूछेंगे तो प्रीमेच्योर मनगढ़ंत बातें हैं। आपने अचार डाला है,
तो चार महीने वेट नहीं करेंगे तो ऐसी खाएंगे तो बोले कच्चा यार स्वाद नहीं आ रहा है। करगिल दिवस के मौके पर अग्निवीर को लेकर जारी सियासत पर प्रधानमंत्री मोदी ने करारा वार किया। उनका कहना है कि ये देश का दुर्भाग्य है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। ये लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। वहीं विपक्ष लगातार अग्निवीर को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अग्निवीर पर सियासत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो अग्निवीर पर सियासत किस तरह से हो रही है उसको हम आपको बताते हैं कि एमपी और छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। और अब एमपी और छत्तीसगढ़ पुलिस में भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण देने की तैयारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर जवान की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं उनके सेवा के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इस उद्देश्य हेतु एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ की सरकार शीघ्र जारी करने जा रही है। वहीं एमपी पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण दिए जाने की घोषणा पर सियासत भी तेज हो गई है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार की अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, इस देश के समाज के लिए और युवाओं की दृष्टि से अद्वितीय, अप्रतिम योजना है। और स्वाभाविक है कि अग्निवीर जो तैयार हो रहे हैं वो युवा सेना के लिए तो काम के हैं ही, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अपना योगदान देंगे ही, लेकिन वहां से निवृत्त होने के बाद में अलग अलग प्रकार की सेवाओं में, शासकीय सेवाओं में भी और निजी सेवाओं में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। अभी आरक्षण देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है, ये अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो अग्निवीर योजना लाए थे, मैं समझता हूँ वो देश के सेना के लिए बहुत बड़ा धोखा और छलावा था, क्योंकि हम ये जानते हैं कि परिवार का व्यक्ति जब एक लड़का सेना की तैयारी करता तो सबसे पहले उसके अंदर जज्बा होता है, देश पर कुर्बान होने की शहादत तक देने की उसकी भावना होती है। वो जब सेना में जाता है तो निश्चित रूप से हम चैन से सोते हैं और वो हमारी पहरेदारी करता है, लेकिन जब ऐसे में कुछ ऐसा हादसा हो जाए, शहादत हो जाए, तो उनको, उनके परिवार को जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, अग्निवीर को वो सारी सुविधाएँ मौजूद नहीं है, क्योंकि अग्निवीर अभी ने शहादत दी है तो उस परिवार को कुछ मिल नहीं पाया। तो हम तो ये चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय राहुल गांधी ने अपने बयान दर्ज कराए। राहुल ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया, साथ ही कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। मामला साल 2018 में कर्नाटक चुनाव के वक्त का है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद सुल्तानपुर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ने उन पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। इसी पेशी के दौरान राहुल गांधी ने अपने बयान दर्ज कराए और अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार किया, साथ ही कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि परिवार तत्व में कहे गए कथन जो हैं झूठे और निराधार हैं, और मेरे ऊपर जो है मेरी छवि को और मेरी पार्टी की छवि को नष्ट करने के लिए राजनीतिक
दुर्भावना से ये मुकदमा दायर किया गया है और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं ये सरासर झूठे आरोप हैं। दरअसल ये मामला साल 2018 में कर्नाटक चुनाव के समय का है, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद सुल्तानपुर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। फिलहाल तो राहुल गांधी ने कोर्ट के सवालों का जवाब दिया, लेकिन अब अगली सुनवाई पर सबूत भी पेश करना होगा। उन्होंने अपने को निर्दोष बताया और ये कहा कि हमारे ऊपर जो भी मुकदमा हुआ है ये पॉलिटिकल रंजिश के कारण हुआ है, तो माननीय न्यायालय ने हमसे एविडेंस के लिए पूछा, हमने कहा हमको एविडेंस देना है, तो 12 अगस्त की तारीख एविडेंस में लगाया है, 12 अगस्त को गवाही होगी। वहीं सुल्तानपुर में पेशी के बाद लखनऊ जाते समय राहुल गांधी विधायक नगर चौराहे पर एक मोची की दुकान पर भी रुके, जहां खुद जूते चप्पलों को ठीक करने के बाद मोची से बात कर उसकी आमदनी के बारे में जानकारी ली, उनकी समस्याओं को सदन में उठाने की बात भी कही। बहुत अच्छा लगा उसने हमारे मतलब ये मोची बिरादरी को रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया, यहाँ पर आकर हमारे समझो मान सम्मान किया। बट ये यही पूछ रहे थे कि इस काम को आप क्यों नहीं करते हैं, हमने पहले ये काम कर रहे थे तो लोग बहुत गलत निकल से देते थे, हमको रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो हमने ये छोड़ दिया। फिर मेहनत मजदूरी करते हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये अपना काम चालू किए हैं, ये काम करते हैं, आपने बताया कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता जी। राहुल गांधी का ये दौरा भले ही कोर्ट कचहरी का रहा हो, लेकिन यूपी से दिल्ली जाते समय उन्होंने सियासी हाथ भी आजमा लिए और 5 मिनट की इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वही कांवड़ यात्रा पर नेम प्लेट विवाद के बीच अब त्रिपाल पर बवाल शुरू हो गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रशासन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे कांवड़ यात्रा पर एक और विवाद शुरू हो गया। हरिद्वार प्रशासन ने फैसला लिया कि कांवड़ रूट पर बनी मस्जिदों या मजारों को ढककर रखा जाए। फैसला हुआ, उसका पालन भी उसी रफ्तार से हुआ। कांवड़ मार्ग पर आने वाली मस्जिदों और मजारों को ढका गया है। मस्जिदों के बाहर गेट को तिरपाल लगाकर ढकना शुरू हुआ है। कई जगहों पर तिरपाल भी लगाया गया। प्रशासन का कहना है कि फैसला इसलिए लिया गया ताकि कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से हो सके और इसमें कोई व्यवधान ना हो। लेकिन जैसे कि फैसले की जानकारी और मस्जिदों को ढकने की तस्वीरें सामने आईं, सियासी बवाल शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि फैसले पर यूटर्न लेना पड़ गया और जिन मस्जिदों और मजारों को ढका गया था उनसे पर्दा हटा लिया गया। तो अब ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल मस्जिद और मजारों को ढकने का फरमान जारी हुआ था, जहां से जो कांवड़ रूट हैं, अगर उन कांवड़ रूटों में मस्जिद या मजार पड़ रही थी, लेकिन जब उस पर सियासी बवाल हुआ या विवाद हुआ तब जाकर ये फैसला वापस लिया गया। और कांवड़ मार्ग पर मस्जिदों को ढकने के फैसले को हरिद्वार प्रशासन ने भले ही वापस ले लिया हो, लेकिन कांवड़ यात्रा पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। उत्तराखंड सरकार जहां इस फैसले का समर्थन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हुए सीएम धामी का इस्तीफा तक मांग डाला है। उत्तराखंड को भी हिंदू मुस्लिम के मजहबी टकराव के अंदर अगर कोई धकेलने की कोशिश कर रहा है तो वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार है। अगर कोई व्यक्ति, अगर वहां के गवर्नर में जरा भी संविधान के प्रति आदर है तो आज ही उसे बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसी सरकार को, क्योंकि वो सरकार जो संविधान को बुलडोजर से कुचल रही है, ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसमें कुछ वोट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है अब इनको चुप बैठना चाहिए था। वो बेवजह का काम कर रहे हैं, उसमें इस तरह के हरकतों से जो है लोगों में टकराव कराने की कोशिश, झगड़ा कराने की कोशिश, ताकि चुनाव में फायदा मिल सके, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस कार्यक्रमों में शामिल होने पर बैन की कोई भी कोशिश सबूत आधारित होनी चाहिए।
नहीं तो इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत इस बात पर खेद व्यक्त करती है कि केंद्र सरकार को ये गलती सुधारने में आधी सदी लग गई। अफसोस है कि केंद्र को अपनी चूक का एहसास होने में 5 दशक लग गए। ये टिप्पणी एमपी हाईकोर्ट की है। हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगाई गई रोक पर ये टिप्पणी की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ये रोक हटा दी है। इस फैसले की विपक्ष आलोचना भी कर रहा है, लेकिन इस बीच एमपी हाईकोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी आई है। आरएसएस से जुड़ी एक याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ये महसूस करने में 5 दशक लग गए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठन को गलत तरीके से सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित संगठनों की सूची में गलत रखा गया था। हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस कार्यक्रमों में शामिल होने पर बैन की कोई भी कोशिश सबूत पर आधारित होनी चाहिए, नहीं तो इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी रहे पुरुषोत्तम गुप्ता की याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शिक्षा में हर क्षेत्र में काम करती है, उस पर प्रतिबंध क्यों लगाया? तो मैं सर्विस के दौरान भी चाहकर भी अपना सेवा नहीं कर पाया, तो मैं सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे लगा कि एक याचिका दायर करना चाहिए ताकि मुझे ये जानकारी मालूम पड़ सके कि सरकारों ने, पिछली सरकारों ने 1966, 1970, 1980 में 3 बार कर्मचारियों पे क्यों प्रावधान लगाया और इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान था। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी ने खुशी जाहिर की है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन पर कांग्रेस सरकार ने बैन लगा रखा था, लेकिन मोदी सरकार ने ये बैन हटाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा ये कहती रही कि आरएसएस सामाजिक सरोकार रखने वाला संगठन है और हाईकोर्ट ने भी इसे माना है। देखिए, इस विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामाजिक सरोकारों का लोहा पूरा विश्व मानता है। ऐसे में कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारों ने जो विचारधारा की लड़ाई, जो राष्ट्रवादी विचार को दबाने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने हटाया है। और मुझे अत्यंत गर्व होता है कि माननीय न्यायालय ने भी इस पे जो तल्ख टिप्पणियां कसी हैं, वो निश्चित ही कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए आईना है। राष्ट्रवादी दल, राष्ट्रवादी विचारधारा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कितना भी प्रयास कर लें, दबा नहीं पाएंगे, ना दबा पाए थे। केंद्र बैन हटा चुका है और हाईकोर्ट ने भी बैन को गलत बताया है, लेकिन कांग्रेस को अभी भी आरएसएस पर आपत्ति है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि आरएसएस बीजेपी को पर्दे के पीछे से चलाता है। संगठन के साथ ही सत्ता और ब्यूरोक्रेसी में भी आरएसएस का दखल होता है। ऐसे में आरएसएस को सांस्कृतिक संगठन कहना उचित नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी हर राज्य में अपना एक आदमी एलिवेट करती है संगठन मंत्री के लिए, और बीजेपी का पूरा नियंत्रण है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बीजेपी का हर निर्णय, चाहे वो संगठन का हो, प्रशासनिक हो, मंत्री बनाने का हो, हटाने का हो, मुख्यमंत्री बनाने का हो, हटाने का हो, सब आरएसएस के संकेत पर होता है। अब सरकारी अधिकारी बिना किसी रोक आरएसएस के कार्यक्रमों में जा सकते हैं। केंद्र सरकार के बाद अब हाईकोर्ट ने भी कहा है कि आरएसएस पर बैन गलत था। बीजेपी और तमाम अधिकारी खुश हैं जो आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को अब भी एतराज है। न्यूज 18 के लिए इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। और अब मैदान से पहाड़ तक मुसीबत, बादल फाड़ दी। लगभग आधे हिंदुस्तान पर सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक देश के कई राज्यों में आउट ऑफ कंट्रोल बरसात लोगों के जी का जंजाल बन गई है। बारिश के कारण बाढ़ आ गई है, पहाड़ खिसक रहे हैं, नदी के किनारे टूट रहे हैं और इस वजह से कई लोगों की जान तक जा चुकी है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव हो गया और सड़क पर समंदर जैसा नजारा नजर आ रहा है।
वहीं लगातार हो रही बारिश से यमुना नदी में सैलाब आ गया, जिससे यमुनोत्री धाम को बहुत नुकसान पहुंचा है। उधर पुणे में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। ये 8 तस्वीरें देख रहे हैं आप अलग अलग जगह की, भोपाल, निवाड़ी, मैहर, बलौदा बाजार की तस्वीरें, जहां पर आपको हर तरफ बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा। यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दोनों राज्यों में बारिश कहर पर पा रही है। कहीं सड़कें लबालब हैं तो कहीं पुल पुलिया या कहें कि जो रपटा है उनके ऊपर से पानी बह रहा है। ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर दे रही है। कोचिंग से लौट रही छात्रा पुलिया क्रॉस कर रही थी, लेकिन तभी उसकी जान पर बनाई। छात्रा पुलिया पार कर ही रही थी कि तभी अचानक पुलिया पर बाढ़ आ गई। तेज बहाव में पानी और उसके बाद मझधार में फंसी जिंदगानी। खरगोन के बेडिया थाना इलाके के भुलगांव की ये तस्वीर है। प्रशासन ने पुल पुलिया पर बाढ़ का खतरे का अलर्ट जारी किया था, पुलिया से नहीं निकलने की चेतावनी दी थी। दरअसल भुलगांव में चीतल नदी उफान पर है, लगातार बारिश से जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ा और ऐसा खतरा मंडराया कि छात्रा पुलिया में फंस गई। इधर गांव वालों ने हिम्मत दिखाई और छात्रा के लिए ये लोग किसी देवदूत से कम नहीं थे। छात्रा जब इस खतरे से बाहर निकली तब जाकर सबकी जान में जान आई। खरगोन के बाद ये तस्वीर मैहर की है। यहाँ भी सैलाब का सितम देखने को मिला, बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। पिछले 48 घंटे से जिले में तेज बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाके में नदी नाले उफान पर हैं। सेमरा गांव में पहाड़ी रपटा पार करते समय एक बड़ा हादसा हो गया। पैर फिसलने से यहाँ एक व्यक्ति बह गया, जिसे बचाने उसके दो साथी आए जो साथ ही चल रहे थे। तीनों इस तेज धारा में बह गए। दो लोग तो किनारे लग गए, लेकिन एक का सुराग अभी तक नहीं मिला है। SDRF की टीम लापता शख्स की तलाश कर रही है। इधर खतरे के बीच पुल नहीं होने से स्कूली बच्चे नदी पार कर रहे हैं, जान को जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक से पहले जमकर बवाल हुआ है और उपद्रवियों ने कई रेल ट्रैकों पर आगजनी करके भारी नुकसान भी पहुंचाया। हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। 8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं। एक तरफ ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से खिलाड़ियों का जमावड़ा लगा है, तो वहीं ओलंपिक खेलों से पहले फ्रांस में बड़ा बवाल हो गया है। फ्रांस की हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर आगजनी कर हमला किया गया है। कई ट्रैकों पर आग लगाई गई, जिससे पूरा रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम चरमरा गया है। स्टेशनों पर लोग फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हर किसी के माथे पर शिकन नजर आ रही है। बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द किया गया है, क्योंकि जगह जगह रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियां ट्रैक और रेलवे स्टेशन का जायजा ले रही हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म में खड़े यात्रियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया जा रहा है। अचानक इन हमलों से फ्रांस में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। तो ये पेरिस का मोपनास स्टेशन है, जहां पे कई गाड़ियां आज सुबह नहीं पहुंच पाई। और ये TGV की ट्रेन थी जो की बहुत तेज गति से चलती है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा रफ्तार है उनकी, और कई जो हिस्से हैं फ्रांस के उनको पेरिस से जोड़ती हैं। ये ट्रेन्स इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि 3 जगह पर ट्रैक पे आग लगा दी गई, जो कि नॉर्थ से, वेस्ट से और ईस्ट से जो ट्रेनें हैं यहाँ नहीं पहुंच पाई, और लगभग 8 लाख पैसेंजर्स को इससे असर पड़ा। लंदन और पेरिस के बीच तोड़फोड़ की घटनाओं की वजह से सेवा बाधित हुई है, जिससे कई ट्रेनों का ट्रैवल टाइम बढ़ गया है। इन हमलों से ट्रेन लाइन की अटलांटिक, उत्तरी और पूर्वी लाइनें ज्यादा प्रभावित हुई हैं। सबसे ज्यादा पेरिस का मॉन्ट परनासे स्टेशन प्रभावित हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस तोड़फोड़ और आगजनी की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसकी मरम्मत में काफी समय लग सकता है।
जहां पर आग लगी थी उसको वहां पर मरम्मत कर दी गई है, तो वहां पर अब ट्रेन्स चालू हैं। लेकिन जो इतनी ट्रेन्स डिले हुई हैं, जो इतनी ट्रेन्स कैंसिल हुई हैं, इसका असर तो काफ़ी दिन चलेगा। और ये मान के चल रहे हैं लोग कि शायद कई लोग जो आज शाम की पेरिस की ओपनिंग सेरेमनी पे आने वाले थे, अब शायद कोई लेट ट्रेन्स लेकर पहुंच पाएंगे। लेकिन भय ये है कि अगर पहले दिन इतना कुछ लोगों ने कर दिया तो भविष्य में लोग क्या करेंगे, और बड़ी कोशिशें हो सकती हैं कि लोग करें कि किसी न किसी तरह इस गेम्स को रोका जाए या कुछ ऐसा किया जाए जिससे गेम्स का मज़ा ख़त्म हो जाए। चश्मदीदों के मुताबिक आगजनी के बाद घटनास्थल से लोगों को भागते देखा गया है। मौके पर आग लगाने वाले उपकरण भी मिले हैं। हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की धरपकड़ की कोशिश तेज कर दी गई है। ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी से ठीक पहले पेरिस में बवाल पर फ्रांस के पीएम का बड़ा बयान सामने आया है। फ्रांस के पीएम ने कहा कि सुनियोजित तरीके से तोड़फोड़ की गई है। अब देखना अहम होगा कि रेल नेटवर्क पर किए गए इस हमले का ओलंपिक खेलों पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज 18 के साथ।